हेलो फ्रेंड्स आइए आज हम मिल्क केक बनाते हैं बहुत ही आसानी से घर पे ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक कढ़ाई लीजिए इसमें दो लीटर दूध डालिए दूध को हाई फ्लेम पर बॉईल आने दीजिए जब बॉईल आ जाए तो मीडियम कर दीजिए फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे बराबर चलाते रहना है और किनारे से इसको जो चिप ता है इसको छुड़ाते रहना है और करसिल बराबर ही चलाते रहना है ताकि तली में हमारा दूध बैठे नहीं ये देखिए दूध पक पक कर आधा हो गया है जब तक कि दूध आधा ना हो जाए पक के तब तक हमें इसे बराबर चलाते रहना है ये देखिए अब दूध में कुछ दाने पड़ने लगे हैं जो मलाई होती है उसके दाने पड़ने लग गए हैं अब आइए इसमें नींबू का रस डालते हैं एक नींबू का रस डालना है हमें इसमें ज़्यादा नींबू का रस नहीं डालना है एक नींबू के रस को तीन पार्ट में हम डालेंगे एक बार में पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और बराबर चलाते रहेंगे इससे कि दूध हमारा फटने लगेगा अब देखिए हम पूरा डाल दे रहे हैं नींबू का रस दूध में देखिए फटते फटते दाने भी आने लग जाएंगे जिससे कि हमारी मिठाई बहुत ही दानेदार बनेगी जैसे कि मार्केट में आप मिल्क केक बना देखते हैं बना होता है खूब दानेदार वैसा हमारा घर में मिल्क केक तैयार होगा अब इसमें एक चम्मच देसी घी डाल देंगे देसी घी डालने से कलर भी अच्छा आएगा मिल्क केक का और जो इसमें छीटे उठती हैं उबाल आता है वो भी कम हो जाएगा अब आइए मोल्ड तैयार करते हैं कोई ऐसा मोल्ड लीजिए जिसमें कि हमारी मिठाई काफ़ी देर तक गर्म रहे ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये दो तीन घंटे गर्म रहता है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अब इसमें चीनी डालेंगे दो लीटर दूध में हम दो ग्राम चीनी डालेंगे चीनी को हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके तीन शिफ्ट में डालना है और थोड़ा थोड़ा चीनी डालकर हम इसको हल्के हाथ से बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि हमारी मिठाई तली में बैठे नहीं जले नहीं इसमें जले का स्वाद ना आए और मिठाई हमारी ख़राब ना हो अब हम इसमें पूरी चीनी डाल देंगे और फिर से इसको बराबर चलाते रहेंगे अब फिर से एक चम्मच घी डालेंगे घी डालने से मिठाई में कलर भी अच्छा आएगा और ये देखिए जो बबल्स उठ रहे हैं इसमें ना इसकी छीटें हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगी घी डालने से बबल्स कम उठते हैं फिर से घी डाल दीजिए इसमें और बराबर हाथ से चलाते रहिए ये देखिए इस करछी का यूज़ कर रही हूँ मैं इस करछी से क्या होता है दानेदार अच्छी मिठाई बनती है और चलाने में भी बहुत आसानी होती है इसलिए इस करछी का यूज़ कर रही हूँ हमें जब तक चलाना है जब तक कि ये पूरा सूख ना जाए इसका पानी पूरा सूख ना जाए जब तक कि इसको चलाना है जब तक ये आपस में लिपट के एक साथ चिपकने लग जाए और पूरी करछी को मैं ये देखिए पूरी करछी और कढ़ाई से ये छूटने लग गया है मिठाई हमारा कढ़ाई ने पूरा छोड़ दिया है अब चलिए रेडी हो गया गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए अब इसको कैंटेनर में निकाल लीजिए हमारी कलाकंड मिठाई जल्द ही बन तैयार हो जाएगी इसको स्पून से टैप कर लीजिए अच्छे से दबा दबा कर इसको फैला लीजिए ताकि बर्फ़ी हमारी अच्छे से जमे अब इसको टैप कर लीजिए टैप करने के बाद इस पर ढक्कन लगा दीजिए लीड लगा कर एक कोई टॉवेल ले लीजिए आप उस टॉवल में इस कंटेनर को रख के चारों तरफ से इसको कवर कर दीजिए कवर करके आप इसको किसी कोने में रख के भूल जाइए यानी पाँच छः घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रख दीजिए उसके बाद देखिए सात घंटे बाद ये कितना अच्छा जम के तैयार हो गया है हमारा मिल के इसके कार्डर्स को पहले हम स्पून नाइफ से छुड़ा लेंगे छुड़ाने के बाद हम इसको निकालेंगे किसी बर्तन में उसके बाद हम चाकू की सहायता से इसको कट कर लेंगे आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं मैं इस तरह से काट रही हूँ आपको जैसा भी शेप पसंद है आप उस तरह से काट सकते हैं देखिए कितने अच्छे बने हैं आइए हमने इसको सर्व कर दिया ये देखिए कितना अच्छा कितना प्यारा कलर आया है जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना टेस्टी है ये मिठाई देखिए हाथ में लेके दिखा रही हूँ इसका कलर कितना अच्छा आया है हर तरफ से और सेट भी हो गया है अच्छे से ये एक पीस मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ देखिए इसका हर तरफ़ से ये देखिए कलर कितना अच्छा है जैसे मार्केट का कलर होता है उसी तरह से कलर आया है और दाने भी उसी तरह से बने हैं अब देखिए मैं हाथ में तोड़ के दिखा रही हूँ देखिए कितने सॉफ़्ट बनी हुई है कितनी अच्छी बनी हुई है मिठाई एकदम मार्केट की जैसी बनाइए खाइए मेरी